पंजाब में कांग्रेस का सियासी तूफान अभी टला भी नहीं था कि आम आदमी पार्टी के अंदर भूचाल आ गया है। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी तूफान ने दस्तक दे दी है। पंजाब की जनता को फ्री का वादा कर सरकार बनाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी में अंदर ही अंदर सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के सक्रिय नेता भगवंत मान ने अपनी पार्टी से किनारा कर लिया है। पार्टी द्वारा उनको अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करने से नाराज भगवंत मान ना तो किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं और ना ही किसी नेता से मिल रहे हैं। आपको बता दें कि भगवंत मान को आखिरी बार 26 अगस्त को पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया था, लेकिन उसके बाद से वो पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल किसी और पार्टी या सामाजिक संगठन से बड़े चेहरे की तलाश में है, लेकिन दूसरी ओर पंजाब आपके एक बड़े वर्ग का कहना है कि पिछले 7 सालों से पार्टी में सबसे सक्रिय रहने वाले भगवंत मान को पार्टी प्रमुख नजरअंदाज कर रहे हैं। भगवंत मान के समर्थक उनको दरकिनार किए जाने से नाराज हैं। समर्थकों का कहना है कि जब पार्टी के पास भगवंत मान जैसा सशक्त उम्मीदवार मौजूद है तो हम दूसरी पार्टियों में मुख्यमंत्री को क्यों खोज रहे हैं। यही गलती हमने 2017 विधानसभा चुनाव में भी की थी। आम आदमी पार्टी के कम से कम 5 से 6 विधायकों ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि भगवंत मान को पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में पेश किया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर भगवंत मान समर्थकों ने पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा के सरकारी घर के बाहर प्रदर्शन किया था। वहीं दूसरी तरफ फिलहाल भगवंत मान शांत हैं। हाल ही में उन्होंने पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई देकर राजनीतिक गलियारे में हलचल जरूर तेज कर दी है। वो खुद खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपने समर्थकों की मदद से पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि ये ठीक है कि भगवंत मान पार्टी में ही बहुत को नाराज करके बैठे हैं, लेकिन उनके बिना भी बात नहीं बनेगी। ऐसे में अगर पार्टी किसी दूसरे को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाती है तो भगवंत मान पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल सकते हैं और विधानसभा चुनावों में पार्टी को काफी नुकसान दे सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN News।